তো দেখাই দিই। মা কাল আটলা বিগড় গিয়া দেখিয়ে। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? तो यार आप लोग सोच रहे होंगे कि हमेशा रात में निकलता है घूमने के लिए, तो क्या करूँ यार, मेरी बस का टाइमिंग ही ऐसा होता है कि रात में निकलना पड़ता है। इसकी अगले चला जाए भाई, तो चला जाए। इसकी अगली वाली जो सीरीज़ थी आपने देखी होगी, इसके पहले जो मैंने सीरीज़ डाली थी व्हील्स की, तो आपने देखा होगा कि मैं सुबह के 5 बजे निकला हूँ मतलब, और आज तो मैं 3:30 बजे, अभी कितने 3:30 बजे, 3:30 बजे हम निकले हैं। और क्योंकि हमारी बस आज 5 बजे की है, तो 3:30 बजे अभी निकले हम। रात में जो नाइट बस चलती है उसमें जाने के लिए, तो उसमें कितना 1.5 घंटे का डिस्टेंस दिखा रहा है, और सिटी मैपर के हिसाब से हम पहुँचेंगे 5:05 पे, और हमारी बस का टाइमिंग है 5 बजे, तो छूट ना जाए तो अच्छा है। आज मैं जहाँ घूमने जा रहा हूँ उसका नाम है, वो प्लेस का नाम है ब्राइटन। वो एक बहुत ही फेमस बीच है यहाँ यूके में। तो और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ। मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड्स है एंड जो मेरा रूममेट है संजय, उसके साथ जा रहा हूँ। तो देखिए, वो अभी वहीं खड़ा है बैग लेके। तो बस अभी हम वेट कर रहे हैं बस का, क्योंकि देखो 10 सेकंड लेट हो गए, हम यहाँ से आ रहे थे और बस यहाँ से चली गई। तो बस अभी वेट कर रहे हैं, फिर उसके 1/2 घंटे बाद की बस है। हम पहुँच तो गए थे 3:05 पे, लेकिन क्या करें, बस निकल गई। तो अभी 3:30 बजे, तो अभी दिखा रहा है कि 5 मिनट में बस आएगी और वो हमें पहुँचाए। फिर उसके बाद दूसरी भी बस लेनी है 1 घंटे के बाद। तो देखते हैं कि टाइम सर पहुँच पाते कि नहीं। आज ब्राइटन जाना है और आज बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आज हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स भी है साथ में, और एक 2 साल की छोटी बच्ची भी आने वाली है आज, तो बहुत मज़ा आएगा, उसके साथ खेलेंगे। और हमने टेंट भी ले लिया है, क्योंकि हमने सुना है कि ब्राइटन में लोग टेंट पिंच करते हैं। देखते हैं, अगर मौका बना तो कर देंगे, हम भी टेंट का लुत्फ़ उठाएँगे। 1/2 घंटे के इंतज़ार के बाद बस आ गई है फाइनली, देखकर अच्छा लगा। अभी देखकर अच्छा लगा, थोड़ी राहत मिली, जान में जान आई कि चलो पहुंच तो जाएंगे अब, नहीं तो अभी तक ऐसा लग रहा था कि यार मिलेगी कि नहीं। अभी वहाँ खड़ी है, आजा आजा प्यार तेरा, हाय 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 संजय। तो फाइनली गाइज, अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ, विक्टोरिया कोस्ट स्टेशन है वहाँ पे, यह तो आपने देखा ही होगा पहले मेरी वीडियो में। तो यहाँ पे है 11 to 20, और यहाँ पे है 0 to 10 प्लेटफॉर्म। तो हमारी बस प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे है, ये वाला जो प्लेटफॉर्म है वहीं पे है। तो अभी तो देर है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राइटन 4:40 हुआ है, अभी तो 5 बजे है हमारी बस। हमारी बस अब लग गई है, ये रही हमारी बस नेशनल एक्सप्रेस, इसमें हम आज ट्रैवल करने वाले हैं। ये जाएगी ब्राइटन, साइड में डिक्की में हमारी चली जाएगी बैग्स। तो ऐसी कुछ है नेशनल एक्सप्रेस। और देखिए ये है सेवनिया, ये उसकी मम्मी है, ये है सेवनिया और ये इनके पापा। हेलो सेवनिया, सेवनिया बस बात बेसू, अभी उसको बस में बैठने की जल्दी है। ये है संकेत, मोहित, तो दिखाई दे ए ए है सिवनिया, हमें दिखाई दे सिवनिया। ओलमन के काम करो, हॉट चॉकलेट बने लो, सब लोग गुजराती जो तो अहमदाबाद नो तेनो मुफ्त में हॉट चॉकलेट बनाई दी, सब कप पर अर्धो कप पी तो से अर्धो कप बाकी छे। तो गाइस अभी आ गए हीथ्रो एयरपोर्ट, वेलकम टू हीथ्रो संकेत। सेवनिया हम तो देखा ही सेवन है, देख जी हाँ देखा ही तू। टाटा बाय बाय, कहाँ जा रहे हो आप? दिल्ली, मुंबई, दुबई, अमेरिका, कनाडा, पेरिस, बेल्जियम, नीदरलैंड, तुझे कहाँ जाना है भाई? मुझे यूएसए जाना है, ठीक है। तुझे कहाँ जाना है? यूएसए जाना है, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया वाला है। हीथ्रो एयरपोर्ट,
अभी केवल नेशनल एक्सप्रेस का टॉयलेट है डिस्क्राइब करेगा, अभी देखना कैसा होता है वो। अभी अंदर गया है, वेट कीजिए, आएगा थोड़ी देर में। वो फील कैसा हो रहा है अभी बोलेगा, कैसा टॉयलेट है वो केवल करेगा। कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये देखो यहाँ का टॉयलेट देखो कितना बढ़िया है एकदम। सरोज क्यों हंस रही है तू? इतने अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है नाइसली। आप पकड़ पकड़ सीवाई। हाय के हाय हाय, तू देखा जी हमें आई देखा था सीओ। हां बहुत बड़ा लाइक कर जो के लाइक शेयर है ना, शक्कर भरा शक्कर भरा। आई आई ब्रेड खाई छे तने तो बड़ा बाजू मंगरे की तो बटर ए हमारा देसी तरीका। अभी तो सिवन्या खा रही है, देखो लगा रही है कैसे। वो करी खा ए सिवन्या, बस एक मिनट जगह ना हुई बेटा। ये क्या पी रहा है? माँ का लाडला बिगड़ गया। देखिए ये देखिए माँ का लाडला बिगड़ गया। क्या पी रहा है? वाइन पी रहा है। ओ तेरी क्या पी रहा है? ये है नेचुरल स्प्रिंग वाटर, जो झरने का पानी होता है ना वो ऐसी बॉटल में आता है। और ये बॉटल है 18 pound की, 1800 की एक बॉटल स्प्रिंग वाटर, जो झरने का पानी होता है यहाँ पे ऐसी बॉटल में मिलता है। और ये है किंग्स टाउन स्प्रिंग वाटर। ये ले पी भाई, 1800 rupees का वाटर। ये नज़ारा देखिए खाए, क्या मस्त नज़ारा यार। तो ये है ब्राइटन, और ब्राइटन लंदन से तकरीबन अगर ट्रेन में आते हो आप तो शायद 1.5 hours लगेंगे, और अगर आप बस में आते हो तो 3 to 3.5 hours लगते। बस आपको यहीं पर मतलब पास में ही स्टेशन है नेशनल एक्सप्रेस का, तो बस आपको वहीं पर उतार देगी।
पानी में मज़ा आ गया आज तो। और अभी जा रहा है ये जो ब्राइटन पैलेस पियर है वहाँ पे, ये बहुत फेमस है, ये फ्री में एंट्री है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो आप जा सकते हो वहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पे। देखो सुबह जब हम आए तब इतनी ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन बाद में फिर 10-11 बजे लोग आने लगे, और अभी आप देख सकते हो वैसे ये भी कम है आज, क्योंकि मौसम वेदर में दिखा रहा है कि आज बारिश है, इसलिए शायद लोग नहीं आए हैं। अभी 2 बजे के बाद बारिश दिखा रहा है प्रेडिक्शन में, इसलिए शायद लोग नहीं आ रहे। लेकिन मुझे लगता है कि समर में यानी कि मई जून में सब बहुत सारे लोग आते हैं, मैंने सुना है ऐसा, मैंने देखा भी है पिक्चर में वीडियोस में। तो देखते हैं फिर से प्लान बनेगा तो मई में भी आएंगे। लेकिन अभी बहुत मज़ा आ गया, और सही में गाइस पानी इतना ठंडा था, कांप रहा था पूरा शरीर, लेकिन मज़ा आ गया। तो देखिए यहाँ पे आके लोग बैठते हैं, नाश्ता करते हैं। देखो वीकेंड मनाने के लिए बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है, अगर आप लंदन से आना चाहते हो तो एक दिन का ट्रिप है ये, एक दिन में मज़ा आ जाएगा आपको और मन भी फ्रेश हो जाएगा। तो चलिए चलते। ये बंदा एक अकेला ऐसा है जो टेंट में पड़ा रहा, जरा सा भी पानी को छुआ नहीं है इसने। यहाँ पे आइसक्रीम, डोनट्स, चिप्स, हॉट डॉग्स सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, और ये है इसका एंट्रेंस। सेवनिया चलो 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 हेलो कैसे हेलो 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 आई आती रही माँ जोड़ी आती रही आप जो हमारा कैमरा लेंगे ये जो आलो को सुखाए थे आलो को सुखाए थे डोनट्स खाए थे डोनट्स आप लोग सुखाओ नो सेवन आप लोग सुखाओ नो पिज्जा सुखाओ नो पिज्जा શું કહેવાય આપણે શું ખાવાનું પીઝા કેવી દેખાય છે આવશે ઓડિયા આપણે ક્યાં આવ્યા બ્રાઇટન પેલેસ પિયર હા આપણે અંદર જોવું છે ને જો અહીંયા જો નાના નાના ટેડી બિયર જો અહીંયા શું છે નાના નાના ટેડી બિયર ને બધું છે ને કેવું છે જો અહીંયા ગેમ રમવાનું જો मैं अभी इसलिए हिंदी में बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि सेवनिया को हिंदी पता नहीं चलती है, उसको सिर्फ गुजराती आती है, तो उसके साथ बातें करने में मुझे गुजराती में बात करनी पड़ेगी। ये क्या है टाइगर પછી રમીએ જો ડાન્સ કરવાનો જો देखो गाइस हमें ये टिकट मिली है, लेकिन ये मशीन पता नहीं बिगड़ गया है, क्या हो गया, निकल ही रही है। कितनी सारी टिकट देखो ना भाई, इसके पैसे मिले तो 122 मेगा अमीश 3 टिकट 122 ટિકિટ જીતા, હું શાંતિથી વાળો, હું પાછી નાખું છું. જે પૂરા નીચે ગિનને વાળો છે.
टिकट स्टेशन, यहाँ पे टिकट डालेंगे तो पता नहीं क्या निकलता है, देखते हैं कितने करोड़ निकलेंगे, क्या लगता है? एक करोड़ निकल जाएंगे, इंडिया से कितने हो जाएगा? क्या जा रहा है? यहाँ एक्सचेंज का टिकट जीते हमें साइंस से जीते, ए बॉल्स दो लॉलीपॉप्स और ए बॉल। ओह वाओ 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 वाओ, देखो फ्री में सब कुछ जीत गए। वो तो पेंस लगा है उसके लिए, 50 पेंस, 50 पेंस अपनी जेब से निकाले थे। हां अपनी जेब से निकाल के दे। अरे हां रोवा सर जो जो तो देखे गाइस हमने पेट पूजा कर ली है, डोमिनोज से पिज़्ज़ा ही खा लिया और कुछ नहीं खाया हमने। तो ऐसा कुछ है ये नज़ारा यहाँ पे, आई थिंक ये सिटी सेंटर है वहाँ आगे ब्राइटन का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखो कल शाम को मैंने आते समय इतनी वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि कल शाम को हमारी देखो बस 5 बजे की थी, लेकिन हम घूम फिर के वहाँ पे 4 बजे ही स्टेशन पे पहुँच गए थे और फिर बारिश भी स्टार्ट होने लगी थी। तो जो 4 बजे वाली बस थी जो लंदन आ रही थी, तो हमने ड्राइवर को रिक्वेस्ट किया कि क्या हम इस बस में ट्रैवल कर सकते हैं अगर सीट अवेलेबल है तो। तो उन्होंने पहले तो मना किया था, लेकिन फिर हमने रिक्वेस्ट की कि देखो बारिश हो रही है तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, उससे अच्छा है कि हम अगर सीट अवेलेबल है तो इसी बस में आ जाए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बैठ जाओ कोई बात नहीं, सीट अवेलेबल ही है। तो हम फिर 4 बजे वाली बस में बैठ गए और फिर 1 घंटा हम पहले ही पहुँच गए यहाँ पे लंदन में, और फिर हमने घर पे आके फ्रेश होके खाना बना खा के हम सो गए। तो और हाँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बतानी थी कि इसके बाद की जो वीडियो होने वाली है वो मेरे यहाँ पे 6 महीने कम्प्लीट हो गए, 6 से 7 महीने पहले 6 मंथ का एक्सपीरियंस क्या रहा यहाँ यूके में। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो मुझसे, तो ये वीडियो के कमेंट में बता दो, तो मैं उस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे दूंगा। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।